Hi guys, Pawan Kumar here. Welcome back to another video of Tips and Tricks. So, आज के वीडियो में आप अपलेव देखने वाले हो PUBG Mobile Live पे eSport के Tips and Tricks. हाँ भाई, eSport के Tips and Tricks. तो आप लोग इंटरेस्ट हो इसके लिए, तो मैं ज़्यादा बात ना करके वीडियो को शुरू कर देता हूँ. लेकिन शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कोई भी यूट्यूबर से कॉपी नहीं किया है, मैंने खुद बनाया है. अगर यकीन नहीं होता जाके चेक करके आओ. तो गाइस लेट्स स्टार्ट. सो गाइस ट्रिक नंबर वन, जैसे कि आपने देखा मैं स्पोर्ट में आता ही इस घर पे उतरा. तो ट्रिक नंबर वन इसी घर पे वर्क करिए कि आप जब आओ तब इसी घर पे उतरो, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा स्पोर्ट के कंटेनर्स का पूरा एंगल मिलेगा. सो आपको बंदे मारने में भी कोई परेशानी नहीं होगा. सो ऐसा ट्रिक नंबर वन बहुत लोग के लिए हेल्पफुल होगा, बहुत लोग के लिए नहीं होगा, मुझे पता है. सो चलो ट्रिक नंबर टू की तरफ चलते हैं. सो गाइस ट्रिक नंबर टू, आप यहाँ पे मेरे सामने जो टावर देख रहे हो, आपको इन टावर में मतलब स्पोर्ट में अगर बंदे हैं, स्पोर्ट पर अगर बंदे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा फ्लैट ड्रॉप देख रहे हो आप, तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉप आए तो आप इसके ऊपर चढ़ जा सकते हो और चढ़ के पूरा स्पोर्ट कवर कर सकते हो. और वहाँ पे ऊपर कवर भी होता है, मतलब बहुत कमाल लेता है. हाँ, तो वहाँ पे ऊपर कवर भी होता है, सो आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगा. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप जल्दी से जाओ और ट्राई करो. लेकिन आपको बस गन होना चाहिए, फिर आप ये कर सकते हो. सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे. और देखो भाई, ईस्टपोर्ट में अगर आप लोग कभी आते हो तो घर का इस्तेमाल कर दिया करो. आप नीचे जाओ फिर घर के अंदर जाओ, ऐसा मत करो. यहाँ से घर एडजस्ट होते रहते हैं, देख लो. सो यहाँ से देखो मैं एक जंप लगाऊंगा और बूम गाइस मैं यहाँ पर आ गया. सो ये कोई ज़्यादा मतलब मुश्किल चीज़ नहीं था, आप भी ट्राई करो, आप भी कर सकते हो. तो ईस्पोर्ट में ये बहुत ही अच्छा काम किया. देखो मैं और एक वो जो शेड है मेरे सामने, शेड पर जाके दिखाता हूँ आपको. सो दुको रुको रुको मैं जाके दिखाता हूँ. और ये चीज भाई बहुत ही अच्छी काम की चीज़ है. आप जोन के जोन से बचने के लिए भी शेड के ऊपर आ सकते हो भाई. जोन पे बनता है, बहुत टाइम है जोन बनता है. तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ. और आई होप ये ट्रिक मतलब ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो हुआ अगर हो तो एक लाइक कर देना. तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे. अच्छा गाइस, तो ट्रिक नंबर फोर, तो यहाँ पे इस घर पे अगर आप हो तो यहाँ पे आपके जो स्क्वाड या दो लोग रश कर रहे हैं तो आपको कैसे बचना है. तो पहले आपको यहाँ पे आना है दीवार पे. रुको मैं यहाँ पे रुको सॉरी गया, सॉरी गाइस मैं गिर गया था यहाँ से. तो मैं फिर से जाता हूँ, ग्लिच के कारण नहीं हुआ था. अच्छा, तो यहाँ से फिर से आपको यहाँ से ऊपर जाना है. सो इस दीवार से आपको ऊपर जाना है, उसके बाद दौड़ के ऐसे. तो गाइस अगर यहाँ पर आ जाओगे और भाई वो जो बंदे थे वो बंदे तो सोचेंगे कि क्या हो, मतलब कहाँ चला गया या बंदा कहाँ चला गया. सो आप यहाँ से ये जो खिड़की है, ये खिड़की से आप यहाँ पे एंगल ले तो उनको भी मार सकते हो. उससे बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छे काम आएगा बाद में अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड या खेलते हो डुओ. सो चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ. बस ट्रिक नंबर फाइव, अब यहाँ पे जो मेरे सामने घर देख रहे हो, मैं ये देखो मैं इसके सामने जाके आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे जाना है और बूम गाइस आ जाओगे. और लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि नीले वाले घर पर अगर कोई बंदा है कि नहीं, अगर है तो यहाँ पे मत आओ. अब मैं सजेस्ट करूँ कि यहाँ पर मत आओ, अगर नहीं है तो आप आ सकते हो. सो बहुत ही औसम ट्रिक है, आप इसको यूज़ करके जोन से बच सकते हो, बंद से बच सकते हो. तो चलो चलते हैं हमें नेक्स्ट ट्रिक की तरफ. सो है ट्रिक नंबर सिक्स, आप यहाँ पे जो वेयर हाउस देख रहे हो इस पे भी एक ऑसम ट्रिक वर्क कर रही है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कम लोग को पता है, यूज़ ही बहुत ही ज़्यादा कम लोग करते हैं. आप ये बोल सकते हो पता नहीं, आपको ऐसे कोने में खड़ा होना है और यहाँ से जंप कर देना है, जॉय स्टिक को ऐसे कोने में मूव करते हुए ऊपर जाना है. तो बूम गाइस आ जाओगे. और वेयर हाउस पे अगर कोई बंदा फाइटिंग कर रहा है तो उसका ध्यान सारा मतलब इस साइड रहेगा, मतलब ऊपर तो नहीं दिखेगा, सीधी बात है ऊपर नहीं दिखेगा. तो ये भी एक ऑसम ट्रिक है. तो चलो चलते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रिक की तरफ. तो है ट्रिक नंबर सेवन, यहाँ पे जो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ई स्पोर्ट्स में जो गाड़ी खड़ी रहती है, मतलब कॉन्टिनेंट के सामने जो गाड़ी खड़ी रहती है, आप देख सकते हो बाकी है बहुत सारे ग्रेड खड़े रहते हैं, डाकिया खड़े रहते हैं, यूएस खड़े रहते हैं. तो यहाँ से और वहाँ से ही गए थे, गए थे नहीं जाऊँगा. अगर यहाँ पर गाड़ी नहीं हुआ और वहाँ पर भी गाड़ी नहीं हुआ तो आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ. जल्द जाने के लिए अगर पानी से जुड़ना रखा है आपको पता ही होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ. तो मैं करने वाला हूँ ये जो बोट है, ये बोट का यूज़. तो ये बोट है बहुत ही ज़्यादा कम लोग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम लोग को पता भी है.
होता है, नहीं बहुत ज़्यादा कम लोग को नहीं पता, मतलब पता होता है बहुत लोगों को, लेकिन कम यूज़ कम बहुत लोग करते हैं। तो आप इस पर यूज़ कर सकते हो। मेरा एक बोट राइडिंग वाला गेम प्ले है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो कि बोट कैसे यूज़ करना होता है। लेकिन उसमें मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा, उसमें म्यूजिक के साथ वो गेम प्ले होगा। सो गेम प्ले आप पूरा देख लेना वहाँ पे, लिंक पे जाकर और आई बटन पे भी दे दूँगा, वहाँ पे जाकर देख लेना। तो गाइस चलो चलते हैं। ट्रिक नंबर 8, मेरे सामने जो घर देख रहे हो आप, अगर इसके बंदे लेटे हुए हैं लेटे हुए हैं तो उनको आपको कैसे मारना है, तो ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। आप देखो आपको बस यहाँ पे आना है और ये जो बैलकनी है, बैलकनी की ये मतलब बाजू में जो ये है, इसके ऊपर आपको ऐसा कि ऐसे जब लगा लेंगे तो मेरे घर पर आ जाओगे और यहाँ से बंदे को आइडिया भी नहीं होगा कि आप कहाँ पे हो। तो आपको यहाँ से बस गन निकालना है और जितने भी यहाँ पे बंदे हैं सबको ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत औसत ट्रिक है, आप इसको यूज करो। मैं आपको आपका मैच मतलब आपका मैच बंद हो गया। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, और हाँ गाइस, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये पिक्चर आप देखो भाई लोग, आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे मिल चुका है 80 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। भाई 100 करा दो भाई, 100 सब्सक्राइबर्स करा दो, उसके बाद मैं और भी ऑसम ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा और पबजी मोबाइल की भी वीडियो डालना शुरू कर दूँगा। और भाई मैं सोचा हूँ कि क्यू एन ए दूँ, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्यू एन ए का वीडियो दूँ 100 सब्सक्राइबर्स के बाद, तो अभी जाके क्यू एन ए का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। और आपको तो पता ही होगा कैसे पूछना होता है हैशटैग क्यू एन ए और उसके बाद आपका क्वेश्चन, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो करना। तो जितने भी क्वेश्चन हैं 4, 5, 6, 7 उसके वो सारे क्वेश्चन में मतलब मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इम्पॉसिबल क्वेश्चन मत पूछना, मैं संदेह बता देता हूँ, मत पूछना। और भाई सुनो भाई, मैं 100 सब्सक्राइबर्स के बाद अपना शाउट आउट चालू कर दूंगा। आप लोग वीडियो पे कमेंट करना, डेली कमेंट करना, ताकि आपको भी शाउट आउट्स मिले। और हाँ, आप मुझे कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो, तो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए भी आपको बिग शाउट आउट मिलेगा मेरे चैनल पे। और हाँ, आज के 4 बजे के टाइम के आसपास में जो वीडियो देता था वो वीडियो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो टाइम पे सर सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आज कितने ज़्यादा व्यू आ गए थे। तो आई होप ऐसे भी आते रहे। तो चलो भाई, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो मुझे पता चल गया है। सो भाई 100 करा दो भाई। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले वीडियो पे, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो पे। और कल सिंह डेल्टा का वीडियो होगा, मैं बता देता हूँ सिंह डेल्टा का वीडियो होगा। तो कल वाले टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो पे आप लोग आ जाना। और हाँ, इसमें 11 बजे लाइव स्ट्रीम करूँगा मेरे फेसबुक का, मतलब मेरे फेसबुक के जो पेज है, उस पेज पे आप लोग मतलब उस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप आ जाना उस पेज पे। और उस पेज पे आने के बाद उस पेज पे मैसेज कर देना कि लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो, तो मैसेज कर देना। उसके बाद मैं आपको इनवाइट भेज दूँगा ग्रुप से, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम देख लेना मेरा, ठीक है। और आप लोग अगर खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल वाले वीडियो पे, गुड बाय। और ये गेम प्ले पूरा देख के जाना, क्योंकि यहाँ पे एक 200 IQ वाला नेट है। बाय।